अभी। और जिस चीज का बात हम पिछले लगभग एक साल से कर रहे हैं, डीएक्स इंडिया डीएक्स मामले में नंबर वन कब होगा, डेट मुझे नहीं पता, जो प्रदीप जी ने बताया, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है बहुत जल्दी होगा। इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ कि बहुत ही जोशी पंजाब जैसे थोड़ा शक्कर डाल दी, चीनी नहीं शक्कर डाल दी, मेरे को पता नहीं आज कंपनी वाले इतना जो बात रह गई थी वो पूरी कर लो। बात तो अब यही रहेगी कि क्राउन मिनिस्टर बनना बाकी है। तो आज मैं, मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लगा डी जी का अब नॉर्मल कंपनी, आज एक अब नॉर्मल सा मैसेज देना चाहूंगा। जैसे उन्होंने बताया दीपक जी ने कि हम लोगों का क्राउन है, क्राउन राजा के पास होता है और हमें अपनी सीमाएं बढ़ानी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग ना अभी डॉक्टर साहब ने बोला था हेल्थ में सबसे पहले मेंटल हेल्थ, हमें ये जो तवाजन है ना बैलेंस, इसको कभी नहीं बिगाड़ना। जोश बहुत अच्छी चीज है लेकिन होश के बिना उसका कोई वैल्यू नहीं होता। आजकल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं है लेकिन आजकल हम सब लोगों का यह बैलेंस बहुत जल्दी बिगड़ता है, हम लोगों ने देखा है। जो समझ गया ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको कभी। हाँ, पीएच बैलेंस भी कह सकते हो। पीएच बैलेंस का सबसे पहले असर यही होता है, ये जो हमारे गुड्स हैं ये हमारे लीवर के साथ संबंधित है, जो आपने खाया यू बिकम व्हाट यू ईट। हम लोग गैनोडर्मा खाने वाले लोग हैं, स्पायरोलिना खाने वाले लोग हैं, हमें लोगों के सामने दुनिया के सामने एक एग्जांपल सेट करनी है, और वो जब एग्जांपल सेट करनी है होश के साथ जोश दिखाओ। होश मैंने जैसे पहले बोला था, जब आप बीएक्सएल कंपनी में हो, एक बड़ी अच्छी कंपनी, जैसे डॉक्टर मिल के साथ सवेरा जी मिले, मैं भी जब पहली बार उनको मिला था 2008 में, तब एक एनुअल रिपोर्ट छपती थी उसमें मेरी फोटो थी डॉक्टर लिम के साथ, मेरे लाल कपड़ी पहनी हुई थी, और वो जो नई बिल्डिंग है वो शुरू हुई थी उसके सामने डॉक्टर साहब ने दूर से किसी को कहकर मेरे को बुलवाया और ऐसे जब भी डालते कहा जो उनको कहता जो मिस्टर सिंह यू आर लुकिंग लाइक अ रेड मशरूम। वो हम इस कंपनी के साथ है जिसमें हमारा सीईओ हमारा पार्टनर, मैं डॉक्टर लिम का पार्टनर हूं, आप भूल नहीं मेरे को नहीं पता, मैं डॉक्टर लिम का पार्टनर हूं और ऐसे अच्छे बंदे का पार्टनर हूं, तो मैं कुछ ऐसा काम ना करूं कि हमारी पार्टनरशिप के ऊपर कुछ दाग लगे, तो ऐसा नहीं कुछ करना कि कुछ हो। आप लोग जहां पे हो अगर ऐसा क्राउन वाली पिन नहीं है आप तब भी शहनशाह हो क्योंकि किंग ऑफ हर्ब्स आपके पास है। अगर आपका दिमाग मानता है किंग ऑफ हर्ब्स, अगर आप अपने आप को राजा नहीं भी मानते तब भी आपके पास राजा है। मैं तो उसको अपनी पॉकेट में रखता होता तो यही यहां था, ये कंबख एनी नहीं जगह ले ली अब होता नहीं ना कोर्ट में, ज्यादा पहनता नहीं हूं, मेरे को याद आ गया ये यहां दिल के पास। तो किंग ऑफ हर्ब्स आपके पास है, अगर आपके पास होश है तो आपको पता होना चाहिए। और मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं, वो आंडू टांडू कंपनियों की कोई हैसियत नहीं है कि हमारे साथ बात करें, और अगर वो गलती से आपका रास्ता काट भी गए तो जैसे वो लोग कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशगुन, अब वो अपशगुन तो काली बिल्ली का है कि मेरा रास्ता काट गई। तो मैं बात अपनी यही खत्म करूंगा, ये जो मेरा समय बच गया ना मैं अगले उसके प्रोग्राम के लिए रखूंगा।
ये आगरा आगरा से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मैं आगरा में ये कंपनी वाले मेरे को बुलाए ना बुलाए मैं स्टेज पे आऊंगा आधे घंटे के लिए। उस दिन की मोटिवेशन मेरी शुरू हुई थी भरत से। ये भूल गया होगा इसका चेक कितने का था, 85,000 का चेक लेके घूम रहा था और इसने अपनी फोटो दिखाएगा वो 2005 वाली। ऐसा 22-23 साल का लड़का 85,000 का चेक लेके घूम रहा है और मेरे लिए शर्म की बात थी। तो मेरे को मोटिवेशन मिली। ये इसके साथ काफी लोग थे, यंग लड़के अच्छा खुद में रहते थे और इससे मैंने ये सीखा कि जब भी मौका मिले तो ये माइक हथियार लेना है, ये आती है। और एक और सज्जन है, अभी उसका मैं यहां से नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला था कि जब माइक हाथ में आ जाए तो छोड़ना नहीं। तो ये सबका होश में काम करेंगे, हम लोग सब राजा हैं और अपनी जिंदगी राजा की तरह बना कर अगर नहीं बना सकते भाई नहीं बना सकते तो दुनिया में और बहुत कुछ पड़ा है। हमारी इस कंपनी पे दाग मत लगाओ। आपकी आपकी नाकामयाबी आपकी नाकाबालियत यहां पे ना शो हो, वो आप कहीं और जाके शो करो। यहां पे आए हो तो फिर क्राउन अम्बेसडर की तरह राजा की तरह। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.